10,000 फीट की ऊंचाई पर जहां हवा की ताजगी से भरी हुई है, वहां एक ऐसा गांव है जो शांति का प्रतीक है। यह उत्तराखंड के हिमालय के दिल में बसा हुआ एक अनछुआ रत्न है। स्वागत है कुंजी में, जो न केवल प्राकृतिक सुंदरता से भरपूर है बल्कि यहाँ की संस्कृति भी बेहद खास है। गुंजी एक ऐसा स्थान जहाँ प्रकृति ने अपने सबसे खूबसूरत रंगों को बिखेरा है। यहाँ के पहाड़, नदियाँ और वनस्पतियाँ एक अद्भुत कथा सुनाती है। यह धरती का वो कोना है जहाँ समय मानो ठहर सा गया हो। यहाँ के लोग अपनी पारंपरिक जीवन शैली के माध्यम से पर्यटकों को अपनी संस्कृति से रूबरू कराते हैं। होमस्टे की सुविधा देकर गुंजी के निवासी पर्यटकों को अपने घर की गर्मजोशी महसूस कराते हैं। पिथौरागढ़ के चीन सीमा के नजदीक बसा है गुंजी गांव। गुंजी पिथौरागढ़ की व्यास वैली में है। यह गांव कभी भारत चीन व्यापार की व्यापारिक मंडी भी हुआ करता था। सड़क मार्ग से जुड़ जाने के बाद यहां पर्यटकों का आना शुरू हो चुका है। यह गांव कैलाश मानसरोवर यात्रा का एक अहम पड़ाव भी है और इसी इलाके में प्रसिद्ध ओम पर्वत और आदि कैलाश है। मेरा तो बस यही कहना है कि हमारे जो ग्रामीण हैं और हमारे जो बाकी हमारे पास वाले हमारे क्षेत्र के और ग्रामवासी हैं, वो भी इस चीज को ध्यान दे और होम स्टे के ऊपर मतलब जो पंजीकरण कराना है, अपना जो होम स्टे चलाना है, उसको मतलब ध्यान कर लेके चले, क्योंकि आने वाले समय में ये बहुत बढ़िया मतलब एक स्वरोजगार का एक जरिया है। इस चीज को ध्यान दे। और जैसे हमारे पर्यटक आते हैं, पर्यटक हमें आते हैं, तो पर्यटक को हमें क्या करना है कि होम टू होम सेवा उनको देनी है, ताकि उन्हें यह ना लगे कि वो घर से बाहर है। और अतिथि देव भव हमारे जो भारत में है, उसे हमें कायम करना है, ताकि जिसे आने वाले समय में मतलब सब अच्छा हो सके। यहाँ की स्थानीय निवासी व नाबी गांव की ग्राम प्रधान सनम नबियाल, जिन्होंने यहाँ पर्यटकों के लिए होमस्टे की व्यवस्था की शुरुआत की थी, उनका कहना है कि वह पर्यटकों का व्यास वैली में स्वागत करते हैं। यहाँ आने वाले पर्यटकों को बिल्कुल भी एहसास नहीं होता कि वह घर से दूर है। अगर आप भी भीड़ भाड़ से दूर गर्मी में एक शांत और ठंडी जगह में अपना समय बिताना चाहते हैं, तो पिथौरागढ़ की व्यास वैली में स्थित गुंजी गांव एक परफेक्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहां आने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन काठगोदाम हल्द्वानी है, जहां से टैक्सी की मदद से धारचूला पहुंचा जा सकता है। धारचूला में SDM कार्यालय से इनर लाइन परमिट बनाने के बाद आप आसानी से टैक्सी या अपनी गाड़ी से यहां पहुंच सकते हैं। लोकल 18 पिथौरागढ़ से हिमांशु जोशी की रिपोर्ट।